अमृतसर में बम ब्लास्ट हुआ पिछले दिनों में, सिक्योरिटी लैब का कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की इनपुट थी, फिर भी आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसी या ट्रेड की जो एजेंसी है फेल रही है, उसके ऊपर क्या? देखो, चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान देता कल और वो खुद अमृतसर जाके आए, तो इस कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी साजिश है जिहदे विच पाकिस्तान दी एजेंसीज जिहड़ियां उन्हां दा हाथ है, और काफ़ी हद तक मेरे ख्याल सरकार सही जिहड़े मुलजम उन्हां ते पहुँच चुकी है, और बहुत जल्दी इसका होएगा। नहीं, फेलियर तो नहीं कहा जा सकता, है तो अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है, पर पंजाब की जड़ी पुलिस है इस दे समर्थ है, इंसीडेंट होया। सुखबीर जी तो आप कांग्रेस का ही टारगेट बना रहे हैं, कांग्रेस को टारगेट बना रहे हैं सुखबीर जी? नहीं, वो गलत है। देखो, जरा फुलका जी ने कहा ना, आर्मी के खिलाफ का, आर्मी चीफ के खिलाफ का, मैं समझता हूँ कि वो बहुत निंदा योग है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। आर्मी तो अलर्ट करती है, सारे देश को अलर्ट करती है, लेकिन फुलका जी ये कहें कि ये तो उनकी साजिश है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है, ये बड़ा गैर जिम्मेवाराना है, इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है उनकी, खुद वकील हैं। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो स्पीकर ही बता सकते हैं, लेकिन वो फुलका जी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन उनके ऐसे इरिस्पॉन्सिबल जो बयान हैं, स्टेटमेंट हैं, वो ठीक नहीं। देखो, बिट्टू जी भी उनका अपना राय है, वो ठीक कह रहे हैं, पर क्योंकि ये मसला बहुत गंभीर है, ये मौन मसला गंभीर है, क्योंकि पहले भी ऐसे हादसे हुए जिसके साथ पंजाब की जो पीस है उसको ठोस पहुंची है, तो अब ऐसा नहीं होने देगी सरकार, इसलिए इस पे जल्दबाजी में बयान देना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चीफ मिनिस्टर खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ने अवार्ड भी रखा है 50 लाख का, ठीक है ना, इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार बड़ी गंभीर है, और ये इसमें नहीं, ये देखो गवर्नमेंट का वर्षन है, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वैसा नहीं है, ये जो आतंकवाद है उनका है, जो पंजाब में सरगर्म है, अभी जलंधर में वो एक कॉलेज में मुस्लिम स्टूडेंट्स पकड़े गए ना, मूसा का आ रहा है कि वो पंजाब में देखा गया है, तो ये बड़ा गंभीर मसला है, इसमें जल्दबाजी से बयान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि स्टेट की जो पीस है, स्टेट का जो शांति, क्या गाड़ी कांड में मोर्चा लगा के बैठे, उनकी जांच एजेंसियां जांच करें, जो फंडिंग उनको बाहर से आ रही है। देखो, ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं ये बड़े बहुत गंभीर मुद्दे हैं, तो उन पे सियासत नहीं करनी चाहिए, उन पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, अगर ऐसे मुद्दों को कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई इंडिविजुअल लोग उनको कैश करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है, पंजाब पहले बहुत टर्मोइल से गुजरा है, पंजाब के हर नागरिक ने आतंकवाद की पीड़ा उसको महसूस किया है, तो हमने चाहते हैं कि पंजाब में वापस ऐसा आतंकवाद। देखिए, जो बाहर बैठे लोग हैं जो 2020 का नारा लगा रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, देश के साथ जो 2020 कर रहे हैं, ये तो हमारे देखिए, जो देश के बाहर बैठे हैं लोग और देश की एकता और अखंडता को पर जो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं या सवाल कर रहे हैं या ऐसा कोई बयान दे रहे हैं या ऐसी मूवमेंट चला रहे हैं, तो वो तो देश को तोड़ने वाली बात है ना, जिससे निंदा योग्य है।
को पंजाबी मानते हैं। देखो कहते हैं कि वो पंजाब के रहने वाले, अगर अगर जो पंजाब को तोड़ना चाहता है, पंजाब को बर्बाद करना चाहता है, वो पंजाबी नहीं। सर एक चीज, यूपी में जाकिर मूसा देखा गया है, खुफिया एजेंसियों ने कहा है यूपी में बीजेपी की सरकार है, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो यूपी में देखा गया है तो ये यूपी गवर्नमेंट की और भारत सरकार की जिम्मेवारी है। भारत सरकार की बहुत बड़ी एजेंसी है। हमने पंजाब वालों ने इमीडिएटली जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बुलाया ना कि आप भी करो, तो देश को भी सर, जो देश की नेशनल गवर्नमेंट है उसको भी गंभीर होना चाहिए। और यूपी में तो बीजेपी की सरकार है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि उसको।